साथी हमारे हैं जो जा रहे हैं, जो बहुत सारी ऐसा योजना लेकर हम लोग आपके लिए आए हैं, जो आज भी आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं और कल भी आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, और ये लड़ते लड़ते अपनी जान भी देनी हो तो दे देंगे केवल किरदार साथियों के लिए। भाइयों, आप लोगों को शायद वो गर्मी तो याद होगी ना, जब इसी गर्मी के दिन में एक किरायेदार साथी, जब उसका मकान मालिक उससे मकान खाली करवाता है और दूसरे मकान ढूंढने के लिए एक एक हफ्ते उस भूख में एक एक सप्ताह तक वो ढूंढता रहता है कि दूसरा खाली मकान कहाँ मिलेगा कि मैं अपना शिफ्ट करूं वहां पे। शायद उस गर्मी से तो ये गर्मी कम है, उस गर्मी से ये गर्मी कम है। आपको इस गर्मी को आपको ये समझना चाहिए कि ये गर्मी नहीं, हमारे लिए आज आंदोलन का वो दिन है जो किरायेदार साथी हमारा अहम फैसला लेने वाला है, और किरायेदारों के लिए हमारे पास क्या पॉलिसियां हैं, और सरकार ने हमारी पॉलिसी को नहीं मानी, उस पॉलिसी को सरकार से लड़ते लड़ते आज 4 साल हो गए। 4 सालों में भाइयों और बहनों, सरकार को हमने कौन सा विज्ञापन नहीं दिया, दिल्ली के कौन से इलाके में हमने अपना प्रोग्राम नहीं किया, और कहां से आपका वीडियो और सारे प्रोग्राम का वीडियो, यहां तक कि जमीन की वीडियो, यहां तक कि हमारे किरायेदार साथियों का डेटा, ये सब के सब सरकार को हमने सौंपा, लेकिन सरकार हमारी एक नहीं सुनी। आज वो फैसला का दिन आ गया है कि तुम सुनो या नहीं सुनो, अब हमारे किरायेदार साथी तुम्हें सुना कर रहेंगे और तुम्हें बता कर रहेंगे कि हमारे अधिकार का तुम कितना शोषण किया है। लेकिन अब मेरा अधिकार शोषण करने के लिए नहीं जाएगा, मैं अपना अधिकार उसको दूंगा जो हमारे लिए कार्य करेगा। आप सभी से बार बार हर मंच से जब भी मैं आता हूं, आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप जब भी इलेक्शन आए, किरायेदार साथी एक बार जरूर सोचो कि तुम्हारे लिए काम कौन कर रहा है, जो आपके लिए काम करे वोट उसी को देना है। लेकिन अब समय काफी दूर निकल गया है, अब वो समय आ गया है कि इस बैठे हुए भीड़ में से एक साथी आपका चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ने के बाद उसमें से आपको इलेक्ट करना होगा, और उस भीड़ का ही एक साथी मुख्यमंत्री होगा। अब वो समय आ गया है हमको फैसला लेने का, आपको फैसला लेने का। साथियों, हमारे ऐसे ऐसे पदाधिकारीगण हैं, ऐसे ऐसे कार्यकर्तागण हैं, कैसे कार्य करते हैं कि धूप क्या होती है, छाव क्या होता, बारिश क्या होता, सर्दी क्या होता, उनको तो पता ही नहीं चलता। एक ऐसे शख्सियत हमारे बीच में है जिनका नाम लेने के बाद आप लोग ताली बजाते हो, आप लोग सुनने के लिए बेताब रहते हो, श्री महेंद्र पासवान जी को। आज महेंद्र पासवान जी के कार्य और कार्यशैली के अकॉर्डिंग आज हम सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और उनके कार्यशैली के रास्ते पर हम चलते चलते यहाँ पर आए हैं, और आज वो दिन भी नजदीक आ गया है जो दिन के लिए हमने सपने देखे थे। सपना साकार होगा और अपना मकान भी होगा, वो दिन दूर नहीं है। साथियों, सपना देखना अब छोड़ दो, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो और तुम्हारा सपना साकार होकर रहेगा, ये मेरा ये मंच पर से वादा है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि भारत सरकार निर्वाचन आयोग आपको वोट देने का अधिकार दिया है, दिल्ली के अंदर आपको पहचान पत्र बने हैं, आपको वोट देने का अधिकार भर दिया है। जब वोट देने का अधिकार हमें मिला है तो क्या हमारे को अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, और वो अधिकार इस बार हम लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए जो कुछ करना पड़े, और जो कुछ करने के लिए हमारा एक ही हमारे पास फॉर्मूला है, अपना इलेक्शन में अपना वोट। वोट ज्यादा करना है और अपने बीच का एक नेता को जिताना है, और अपने सपने नहीं देखने, सपने को साकार करना है। सपने देखते देखते पिछले 4 साल हो गए, और इन नेताओं का लॉलीपॉप सुनते सुनते 4 साल बीत गया, और 4 साल तक हमने जब भी खड़े हुए, धूप में खड़े हुए, फिर भी इन नेताओं को, एसी में बैठे हुए नेता को शर्म नहीं आया कि जो पिछले 4 साल से सारे किरायेदार साथी को लेकर एक आवाज उठा रहा है कि हमारे किरायेदार को सस्ते आवास मुहैया कराओ, अगर तुम आवास इतने दिन में नहीं दे पाए तो कम से कम उसको किरायेदार भत्ता तो देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए?
लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी, और इतना ही नहीं सुननी तो दूर की बात है, इन्होंने ये तक कह दिया अब जाओ जो मर्जी करना हो कर लो, मैं मकान नहीं दूंगा। लेकिन साथियों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे पास वो अधिकार है, भारत निर्वाचन द्वारा दिया गया अधिकार, वोट देने का अधिकार, और वोट देने का अधिकार ही हमारा ऐसा अधिकार है कि मैं जिसको चाहूंगा दिल्ली में और केंद्र में सरकार बनाएंगे। दिल्ली के अंदर 65% आबादी किरायेदार भाइयों और बहनों की है, 65% आबादी केवल जिसमें किरायेदार रहते हैं, और किरायेदारों का दुख दर्द कितना होता है वो एक किरायेदार ही समझ सकता। किराए के मकान में रहते हैं, आपके घर से चार लोग आ जाते हैं, मकान मालिक आपके दरवाजे का चप्पल गिनता है कि इसके सामने चार जोड़ी चप्पल एक्स्ट्रा है, भैया ये तुम्हारे घर आया कौन, ये पूरा बिजली और पानी तो यही इस्तेमाल कर गया। भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किराए के मकान में तुम्हारे रहते हैं तो मेरे रिश्तेदार क्या पड़ोसी क्या जाएंगे, हमारे यहाँ ही आएंगे। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं वो दिन दूर नहीं है जो उनको भी हम सिखाएंगे कि हम भी यहीं के दिल्ली के वोटर हैं और दिल्ली के हर एक योजना के लाभ लेने का अधिकार मुझे है। वो दिन भी आपको याद होगा जब आपको बिजली का बिल, आपको पता होना चाहिए 2.65 रुपया 70 पैसा बिजली का बिल दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के तरफ से निर्धारित किया हुआ मूल्य है 2.65 रुपया 70 पैसा, लेकिन आपसे 8 से 10 रुपया लिया जाता है, क्या ये गोरख धंधा नहीं है, क्या ये सरकार को नहीं दिखता? सब कुछ दिखता है, मगर इसमें उसी सरकार के बिचौलिया होते हैं, उसी सरकार के लोग होते हैं जिनके वो मकान होते हैं और जो ये असूली करते रहते हैं, ये उसी सरकार के बिचौलिए लोग आपसे असूली करते रहते हैं। लेकिन उस दुख दर्द को वो नहीं समझते, ये दुख दर्द एक कौन समझेगा, आपका एक किरायेदार साथी समझेगा जो आप जैसे रह चुका है या रह रहा है। इसी सारे समस्या को लेकर हम लोगों ने सरकार से लगातार 4 सालों से ये आंदोलन कर रहे हैं, और आज आंदोलन का आखिरी दिन है जिसमें हमारे किरायेदार साथी एक फैसला लेने वाले हैं, और एक ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो कि इतिहास के पन्नों में ये फैसला रच दी जाएगी, इतिहास के पन्नों में फैसला लिख दिया जाएगा। और वो फैसला एक ही है, मेरा सपना नहीं, क्या होना चाहिए, मुझे मकान चाहिए, और वो मकान मिलेगा, उसका सैंपल यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पे उपलब्ध है। और आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पे संयम और धैर्य बनाकर आप रहें, आपको वो सैंपल भी बताया जाएगा, आपके लिए क्या क्या पॉलिसी लाई गई है, आपके लिए हम क्या आगे कार्य करेंगे, आपके लिए मकान कैसे मिलेगा, ये सारा कुछ हम बताएंगे आपको। लेकिन आपके से अनुरोध है कि आप संयम बना कर रखें। आप सभी से 2 बातें बस कहूंगा कि अपना धैर्य कभी नहीं खोना है, और सपना देखना छोड़ना है, और अपना मकान लेकर रहना है। आप मेरे साथ बोलेंगे किरायेदार एकता, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। देखिए साथियों, इतने हमारे बीच में मोहन गुप्ता जी तो बहुत ही अच्छे विचारों से हमें अवगत करा रहे थे, और जब दिल्ली प्रदेश में इलेक्शन का जमाना था, वो माहौल चल रहा था 2.5-3 साल पहले, जो एक नेता जो धरने प्रदर्शन और अनशन पर बैठ करके हम लोगों के द्वार आया था, और उसने हमसे गुहार लगाई थी और वोट की भीख मांगी थी और हमें धोखा दे करके वो आज दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री बन बैठा, और हमने इतना बड़ा धोखा खाया कि हो सकता है शायद हर गवर्नमेंट ने, हर सरकार ने जो भी आई है, चाहे दिल्ली प्रदेश में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, उसने गरीबों को
किराएदारों को कभी नहीं समझा, लेकिन हो सकता है ये आदमी सच्चा नजर आ रहा हो, एक बार इसकी सच्चाई को भी आजमा लिया जाए। लेकिन ये कितने पानी में था उसको अब हम महसूस कर रहे हैं, जब खुद हमारे साथ में ये शोषण हो रहा है, किराएदारों को परेशान किया जा रहा है, उनके हुकूक उनको नहीं मिल पा रहे हैं, तब महसूस हो रहा है। वरना ये कहने पर मैं जनता की तरफ से, आप सबकी जानिब से उस मुख्यमंत्री की नजर चार पंक्तियां करना चाहता हूँ कि उदासियों में भी रास्ते निकाल लेता है। ये भूलिएगा मत कि अगर हम चढ़ाना जानते हैं तो हम जमीन बोझ करना भी जानते हैं। ये उदासियों में भी रास्ते निकाल लेता है, अजीब दिल है गिरो तो संभाल लेता है, और बड़े बड़ों की तरफदारियां नहीं चलती, उरूज तेरी खबर जब संभाल लेता है। आज अपनी औकात भूल बैठे, गरीब जनता यहाँ गर्मी में परेशान है, बेहाल है, इसको सुनने वाला कौन होगा? आप एसी में बैठे हुए, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। आप आइए आज रामलीला ग्राउंड पे, यहाँ देखिए कितने परेशान हाल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी परेशानियों को महसूस कीजिएगा। अब आइए इस संस्था के, हमारे ये अखिल भारतीय मानव समिति के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष है, मुस्तफा भाई से मैं इस वक्त बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और अपने विचारों से इस जनसमूह को अवगत कराए। मेरी इस वक्त गुजारिश है मुस्तफा भाई से कि वो आए और आप सब अपने अध्यक्ष महोदय का भरपूर तालियों की गड़गड़ाहट से इस्तकबाल करें, स्वागत करें। आपके सामने मुस्तफा भाई। आज रामलीला मैदान में पूरे दिल्ली के किराएदार भाई समाज उपस्थित है, मैं उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत धूप और गर्मी है, ये पूरे साल में सबसे गर्मी का महीना है, इसी तपिश में आप यहाँ मौजूद हैं। ये क्यों है कि आप किराएदारी के कोई तरह इस तपिश में तपे हुए हैं, इसलिए आए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे संस्था के महासचिव मंच पर उपस्थित महेंद्र पासवान जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव अजीत दहिया जी और डॉक्टर राजेश पाल जी और आर सी वर्मा जी और एस सी वर्मा जी हमारे कानूनी सलाहकार और मुन्ना भाई, हमारे तमाम मंच पे उपस्थित साथियों, आपके साथ आपके सामने मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर और पूरे देश में जो किराएदार भाई रहते हैं उनके लिए कभी कोई सरकारों ने, चाहे वो किसी राज्य की गवर्नमेंट हो या केंद्र की भारत सरकार हो, कोई संस्था कोई संगठन, किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाया इनकी दुखों को तकलीफों को। इतने परेशान है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अभी हमारे साथी बता रहे थे, अगर आपके घर में कोई बच्चा खेल रहा है, मकान मालिक पोछा लगा रही है, चार मेहमान आ गया, बच्चे ने किसी तरह चिल्लाया तो मकान मालिक की घरवाली हड़काने आ जाती है। ये सरकार की कमी है, कहते भाई ये गरीब लोग आके दिल्ली को घेर लिया, दिल्ली में बच्चे, ये इनकी गलती है, ये अपराध नहीं है भाई। जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था को सही से संचालित नहीं कर रहे हैं, ये उनकी गलती है। मैं उनको चेतावनी देता हूँ, दिल्ली की गद्दी पे वही बैठेगा जो इस देश की जनता को रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था करेगा। जो ये व्यवस्था नहीं कर सकता है उसको देश की राजधानी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उस पे रहने का अधिकार नहीं है। देश के अंदर 70% गरीब लोग हैं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे देश के 30% महानुभव और पढ़े लिखे पूंजीपति लोग छल कपट करके गरीबों को लोग लालच दारू का पैसों का प्रलोभन देकर वोट खरीद लेते हैं और फिर से सत्ता कब्जा कर लेते हैं। कभी धर्म के नाम पे, कभी जातिवाद के नाम पे, ये तरह तरह के सबूत छोड़ के वो केंद्र की और राज्य की सत्ता कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, वो तो हमें आपको शोषण कर रहे हैं।
जो इस देश की 70% जनता है उनका शोषण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे थे अच्छे नहीं आए, दिल्ली के आधे गरीब लोगों को उधार दिया, आ गए अच्छे दिन। दिल्ली की 70% आबादी गरीब किरायादारी को पोस्ट ले दबी है, आ गए भाई अच्छे दिन। उनके लिए समाधान नहीं किया। जगह जगह आपने देखा होगा बड़े बड़े प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हम तो न इनकम टैक्स भरते हैं, न बैंक हमें लोन देगी, न हम 25 लाख के मकान खरीद सकते। हमारी संस्था ने सरकार को बार बार धरने पर दर्पण करके चेतावनी दिया कि आप हमें आसान किस्तों में मकान उपलब्ध कराओ। हम आपसे कोई खैरात नहीं मांग रहे, कोई भिक्षा नहीं मांग रहे, आप हमें किस्त में मकान दो। पूरे भारत के गांव गांव में सरकार लाखों रुपए बांट रही है। वो जब उनको दे रहे हो जो किराए के मकान में रह रहे हो, उनका पहले बनता भाई एक के परेड में पहले ही भरा रखा था, उसके परेड में और परोस रहे प्रधानमंत्री, एक के परेड में कुछ ही नहीं है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप जो गांव